लखनऊ में कुख्यात अपराधी संजीव जीवा की हत्या के बाद प्रदेश की जिला अदालतों में सुरक्षा व्यवस्था पर पुनः गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। यह पहला मौका नहीं है जब किसी व्यक्ति की हत्या कचहरी परिसर में की गई है। दिल्ली हो या बनारस, हर जगह की जिला अदालतें अब असुरक्षित हो चुकी हैं। दिल्ली में पिछले दिनों एक वकील ने साकेत कोर्ट में एक महिला को गोली मारकर घायल कर दिया। दिल्ली के ही रोहिणी कोर्ट में कुख्यात गैंगस्टर की पिछले दिनों हत्या हुई थी। कलकडुमा कोर्ट में भी वकील के भेष में आए हमलावरों ने एक अपराधी पर गोलियां बरसाई थी। बनारस से कचहरी में तो कुछ साल पहले बम धमाके में कई वकील और वादकारी मारे गए थे। कई वकील स्थायी रूप से अपाहिज हो गए। देखा जाए तो जिला अदालतें सबसे ज़्यादा असुरक्षित हैं। गेट पर वादकारियों की भले ही जामा तलाशी हो जाए पर काले कोर्ट वालों की बिल्कुल नहीं होती। समस्या की असली वजह भी यही है, असली वकीलों की भीड़ में नकली वकील आसानी से अपने मंसूबे को अंजाम तक पहुंचा देते हैं। जब भी कोई बड़ी घटना होती है तब कुछ दिनों तक पुलिस की चुस्ती फुर्ती दिखाई पड़ती है, फिर पुलिस वाले आराम फरमाने लगते हैं। दिल्ली की अदालतों में न सिर्फ वादकारियों की जमा तलाशी होती बल्कि उनके सामान भी एक्सरे मशीन से गुजरते हैं। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बिना परिचय पत्र के वकील भी अंदर नहीं जा सकते, पर बनारस सहित अन्य जिलों की अदालतों में ऐसा नहीं होता। जब तक वकीलों का परिचय पत्र चेक नहीं होगा तब तक कचहरी परिसर की सुरक्षा फुल प्रूफ नहीं हो सकती।